उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार को एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। इस दौरान मकान गिरने से मलबे में दबकर एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि बड़ी बेटी घर पर नहीं थी, इसलिए वो भी बाल बाल बच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बेटी की मौत की खबर सुनकर मां का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल महानगर के शहीद गंज करनाल वालों मार्केट में मनोज अपनी पत्नी मोनिका और दो बेटियां वैष्णवी और राधिका के साथ रहते हैं। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह बारिश के बाद उनके मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबकर उनकी बेटी वैष्णवी की मौत हो गई, जबकि पत्नी मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भाई सुबह 10 बजे का टाइम था, बारिश की वजह से मकान ढह गया और उसमें जो है मम्मी और बच्ची जो है वो दब गई थी, तो बच्ची की मृत्यु हो गई और मम्मी जख्मी है इसमें। ये मकान कब कितना पुराना है? ये काफ़ी पुराना है, हमारी पैदाइश से भी पहला है। कब से रह रहे थे ये लोग यहाँ पे? ये जन्म से यहीं रहते हैं। कितने परिवार हैं यहाँ पे? 2-3 परिवार रहते हैं। और भी ऐसे मकान की किसी की हालत खस्ता है? नहीं, कोई ऐसी नहीं है, यहाँ आसपास यही था बस जो।